एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेयर ट्रेड टूल के बारे में कि ये टूल क्या होता है और क्या काम करता है और इसको हम केलिनिनिक्स या पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों फेयर ट्रेड एक ईजी टूल है बैकडोर और पेलोड जनरेट करने के लिए। इस टूल द्वारा कई तरह के एक्सप्लोइटेशन अटैक किए जा सकते हैं जैसे कि ब्राउजर अटैक, डीएलएल अटैक। इस टूल द्वारा पॉपुलर पेलोड से मेलवेयर तैयार किए जा सकते हैं और इन मेलवेयर ट्रोजन्स को विंडोज, मैक, लिनक्स या एंड्रॉइड पर एग्जीक्यूट भी कराया जा सकता है और उसके बाद इन ओएस को बड़ी ही आसानी से हैक भी किया जा सकता है। इस टूल से बने बैकडोर या पेलोड एंटीवायरस को भी बाईपास करने में सक्षम है। तो इस टूल के मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या कर सकता है। इस टूल से विंडोज, लिनक्स, मैक और एंड्रॉइड के लिए बैकडोर क्रिएट किए जा सकते हैं, एंटीवायरस को बाईपास किया जा सकता है, मल्टीपल मीटरपैडर लिसनर स्टार्ट किए जा सकते हैं, इस टूल द्वारा ऑटोरन स्क्रिप्ट भी तैयार की जा सकती है, बैकडोर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि एमएस वर्ड फाइल, जिप या रायल फाइल या किसी अन्य एपीके फाइल में भी बाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसको केलिनिनिक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस टूल को डाउनलोड करना होगा, तो आप ब्राउजर ओपन कर लीजिए और ब्राउजर के अंदर इस लिंक को ओपन कर लीजिए। इसकी लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और इसके बाद दोस्तों आप इसको यहां से जिप फाइल के द्वारा या गिट क्लोन यूआरएल के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसका गिट क्लोन यूआरएल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम ब्राउजर को बंद कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अपनी टर्मिनल विंडो ओपन करिए। ये मैंने अपनी टर्मिनल विंडो ओपन कर ली। ये दोस्तों आपको देखना है कि ये टेक्स्ट आर्ट हम अपनी टर्मिनल विंडो के अंदर कैसे डालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का टेक्स्ट आर्ट हम टर्मिनल विंडो के अंदर कैसे डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। तो मैंने कमांड लगाया सीडी डेस्कटॉप, ये मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया। यहाँ पर दोस्तों हम कमांड लगाएंगे गिट क्लोन और जो हमने यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये टूल आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी बड़ी फाइल है तो थोड़ा टाइम लेगी, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ये देखिए दोस्तों ये टूल डाउनलोड हो गया, करीब 200 MB की फाइल है ये, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो कमांड लगाया मैंने सीडी द फैट रेट, ये हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस टूल को इंस्टॉल करना होगा, तो आपको एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है setup.sh, तो इसको हम रन कराएंगे। पर दोस्तों रन कराने से पहले हमें इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी, तो दोस्तों इसके हम परमिशन चेंज करेंगे। तो कमांड लगाया chmod+x और हमारी फाइल का नाम setup.sh, एंटर दबा दीजिए। अब इसको रन करा दीजिए सीधे, कमांड लगा दीजिए .setup.sh और एंटर दबाइए। ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, तो ये स्क्रिप्ट सारे पैकेजेस को चेक करेगी कि कौन कौन से पैकेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं। यदि कोई पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये स्क्रिप्ट उन पैकेजेस को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगी। ये देखिए दोस्तों ये सारे टूल्स के अंदर फाउंड हो गए हैं, जो टूल उसको नहीं मिलेगा वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको फेयर ट्रेड का पाथ क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि आपको करना है कि नहीं करना। यदि आप इसको यस करेंगे तो आप इसको अपनी टर्मिनल विंडो में से कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस फोल्डर के अंदर जाके इसको ओपन करें। किसी भी लोकेशन पर से आप सीधे फेयर ट्रेड लिखेंगे तो ये टूल रन हो जाएगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया। इसके बाद मैं दोस्तों इसको कहीं से भी रन कर सकता हूँ, ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया, इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये सेटअप कंप्लीट हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अपने टर्मिनल विंडो ओपन करिए और आप कहीं से भी सिंपल से कमांड टाइप कर दीजिए फैट रेट और एंटर दबा दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। ये टूल सारी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ सर्विस इंस्टॉल हैं या नहीं, ये सारे टूल्स इसमें इंस्टॉल हैं या नहीं, ये सारी चीज़ इसमें चेक करेगा। उसके बाद दोस्तों ये टूल ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा है कि आप इससे बने पेलोड या बैकडोर को कभी भी वायरस टोटल पर अपलोड मत कीजिए, हमेशा यूज़ कीजिए nodedistribute.com को। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। यदि आपको ये जानना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। कोई भी की दबाइए, ये इससे आगे आ जाएगा। ये PGSQL सर्विस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर एंटर दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये टूल रन हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो काफ़ी सारे मेन्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, इसके द्वारा आप तरह तरह के पेलोड बैकडोर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टाइप किया, ये देखिए अब आपको यहाँ पे लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड के लिए, मैक के लिए पेलोड जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने पेलोड को डॉक फाइल या रार फाइल के अंदर भी बाइंड कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, PHP के लिए, ASP के लिए, Perl के लिए। आप इनमें से किसी का भी यूज करके यहाँ से पेलोड जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आ गया। आप दोस्तों यहाँ से फुली अनडिडक्टेबल बैकडोर भी तैयार कर सकते हैं जो कि एंटीवायरस को बाईपास कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इनके द्वारा ऐसा बैकडोर भी जनरेट किया जा सकता है जो कि एंटीवायरस को बाईपास कर सकता है। आप यहाँ से MS Office के लिए भी बैकडोर जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे काफी तरह के ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। आप इन ऑप्शंस का यूज करके यहाँ से पेलोड या बैकडोर जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि फेयर ट्रेड टूल क्या होता है, क्या काम करता है और उसको हम कैसे इंस्टॉल और कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके द्वारा एक फुली अनडिटेक्टेबल बैकडोर कैसे तैयार किया जा सकता है कि उस पेलोड या बैकडोर को 99% एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो आप मेरा अगला वीडियो देख लीजिए, आपको काफी समझ में आ जाएगा कि इस टूल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि इस तरह के वीडियो और भी आपको इस चैनल पर देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ उस नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक करके रखिए जिससे कि कोई मेरे नए वीडियोज आए तो उनकी सूचना तुरंत अब तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और एडवांस कंप्यूटर स्किल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है दोस्तों, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।